बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मोज केक टब स्टाइल में। तो इंग्रेडिएंट आप देख लीजिए, परफेक्ट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मोज केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है जिसमें हमने 2 एग ऐड किया है। तो इसमें से जो येलो पार्ट है वो हम अलग कर लेंगे और वाइट पार्ट को हम अच्छी तरीके से बीटर की मदद से बीट कर लेंगे जब तक एक झाग के फॉर्म में ना आ जाए। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर एकदम क्रीमी हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारा येलो पार्ट था वो हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे फेंट लेंगे। इसमें मैंने 60 ml मेल्टेड बटर यूज़ किया, आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1/2 cup शुगर मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये पीसी शुगर है, तो यहाँ पे मैंने 1/2 cup शुगर ऐड किया और तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। 150 ml हम मिल्क लेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे है, वार्म मिल्क नहीं है, तो आधा अभी यूज़ करेंगे आधा हम बाद में। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है जिसके अंदर हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 cup मैदा लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने 3 tablespoons कोको पाउडर, 1/2 tablespoon बेकिंग पाउडर और यहाँ पे 1/2 cup शुगर। यहाँ पे हम कोई भी बेकिंग सोडा या सॉल्ट नहीं यूज़ करेंगे। और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उन्हें हम वेट में मिला देंगे और अच्छी तरीके से राउंड एंड कट के फॉर्म में हम सभी को मिक्स कर लेंगे। इसे हम ओवर मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो थोड़ा थिक लग रहा है, तो हम जो लेफ्ट ओवर मिल्क हमने बचा के रखा था उसे मिक्स कर लेंगे और स्लोली इसे हम मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इसे हमें रनी में नहीं बनाना है, तो इसकी जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट है। अभी इसके अंदर जो हमने अपना एग वाइट क्रीमी टेक्सचर दिया था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बस एक बात का आप ध्यान रखें, इसे हमें ओवर मिक्स नहीं करना, जितना चाहे आप उतना स्लो स्लो इसे मिक्स करें। तो 1/2 part अभी मैंने ऐड किया और 1/2 part और, तो आप इसे धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अभी जो हमारा बैटर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, तो यहाँ पे मैंने टीन लिया, इसे ऑलरेडी ग्रीस कर बटर पेपर मैंने लगा लिया है, तो इसमें हम अपना बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई है इसे मैंने प्री हीट पर रख दिया था मीडियम फ्लेम पे और इसे हम 25 से 30 minutes बेक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने 50 g चॉकलेट ले लिया है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट, और मैंने यहाँ पे 50 ml मिल्क लिया हुआ है। ये मिल्क हॉट मिल्क है ताकि हमारी चॉकलेट जो अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। तब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है, तो यहाँ पे मैंने 1 cup चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ले लिया है और इसे हम एक बीटर की मदद से अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। इसमें एक स्टीफ पीक आ गया है, तो यहाँ पे हमारा क्रीम अच्छी तरीके से व्हिप हो चुका है। अभी हमारा केक जो है, जो हमने बेस बनाया था, यहाँ पे 30 minutes में अच्छी तरीके से बेक हो चुका है और रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो मैंने इसे डीमोल्ड किया है। अभी इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। ये जो मोज केक हम बना रहे हैं इसे मैं एक टब में बनाऊंगी, तो ये एक हम स्क्वायर टब और एक राउंड टब लेंगे। तो इसे आप देख सकते हैं, आप आगे वीडियो में बने रहें तो आपको मैं बताऊंगी किस कैसे हम इसे कट आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे 2 parts में डिवाइड कर दिया है। अगर आपके पास एक लंबा मोल्ड हो तो आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया। अब इसे हम 2 parts में डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर टब लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो इसकी एजेस हैं नीचे के, उस हिसाब से मैं इसे चौकोन शेप में इसे कटिंग कर लूँगी। तो एक नाइफ की मदद से मैंने इस पर ड्रॉ कर लिया है चौकोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसके अंदर अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। तो ऐसे 2 parts में डिवाइड कर लूँगी। अभी हमें जिसे अपने मोज केक को जिसमें प्रिपेयर करना है तो वो हम अपना टब ले लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे पहले जो केक की लेयर है वो मैंने बेस लगा दिया और यहाँ पे जो हमारा मेल्टेड चॉकलेट था उसे मैंने थोड़ी देर रख दिया था, तो वो थोड़ा थिक हो गया और उसे अच्छी तरीके से हम सोक कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी क्रीम थी व्हिपिंग, उसमें मैंने 2 tablespoons जो हमारा गनाश था जो मैंने बनाया था वो ऐड कर दिया, ताकि जो हमारी चॉकलेट है वो एकदम चॉकलेटी हो जाए। और अच्छी तरीके से आप इसे सोक कर दें ताकि जो इसका टेस्ट है वो एकदम चॉकलेटी आए। और इसके ऊपर भी वाली लेयर पे आप देख सकते हैं मैंने सेम प्रोसीजर किया है, और अच्छी तरीके से आप इसे एकदम स्मूथ कर दें। अभी यहाँ पर अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप रख सकते हैं, वरना आपको अगर इस पर डिज़ाइन बनाना, तो मैंने एक यहाँ पे फ्लावर नोज़ल लिया हुआ है जिससे मैंने थोड़े से इसमें चॉकलेट
गनाश ऐड कर दी और वाइट वाली क्रीम, तो उसके थ्रू मैंने यहाँ पे साइड साइड में जिसकी एजेस है वहाँ पे मैंने एक छोटे छोटे फ्लावर बना दिए। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर लिया हुआ, आप इसकी जगह कोको पाउडर भी ले सकते हैं और इसे हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। अभी जो हमारा राउंड वाला टब है तो हम अपने केक को राउंड शेप में कट आउट कर लेंगे। अगर आपको राउंड शेप में करना है तो आप राउंड शेप में कट आउट कर लें, वरना आप इसे चूरा बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो राउंड वाला हमारा था वो मैंने नीचे ऐड कर दिया और सेम वही चॉकलेट क्रीम और सेम वही गनाश मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया है। बचा था उसे मैंने थोड़ा सा चूरा करके वो भी ऐड कर दिया और इसके ऊपर हम अपनी गोल वाली लेयर रख देंगे। अच्छी तरीके से हम अपने जो हमारा हमने बनाया था गनाश उससे सोक कर देंगे और हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से अप्लाई कर देंगे ताकि जो उसका ऊपर का सरफेस है वो एकदम ईवन हो जाए। और मैंने उसी क्रीम में एक पाइपिंग बैग में भर लिया और इसमें थोड़ा सा गनाश ऐड करके यहाँ पे मैंने स्टार नोजल से थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी है। मेरे पास जो पल्स हैं उससे मैंने थोड़े से पिंक पल्स को स्प्रेड कर दिया है और इसके ऊपर जो कलरफुल छोटे छोटे पल्स हैं हमारे वो, और इसके बाद जो कलरफुल हमारी जो स्प्रिंकल है वो भी मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने कोको पाउडर थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा मोस्ट अप केक एकदम थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ इतना इजीली हमारा तैयार हो गया है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं और आप उसका नीचे का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना कलरफुल हमारा आया है। और आप ये भी देख सकते हैं, मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मौत मेल्टिंग बना हुआ था और इसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और स्पॉन्जी था क्योंकि इसके अंदर हमें शेयर कर सकते हैं एग को डिफरेंट डिफरेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए, बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत एफर्ट लगता है ये सब बनाने में, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।